और मित्रों, आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिक्र करेंगे क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने ढेर सारे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, सब क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दरअसल कई बार बोर्ड परीक्षाओं में यहीं से एग्जाम्पल उठाकर पूछ लिया गया है। अब ये है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हेडलाइंस देखिए क्या है, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। दरअसल अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं, टोटल 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बनते कैसे हैं, पहली बार आप देखेंगे ठोस ठोस में घुलेगा, दूसरी बार आप देखेंगे ठोस द्रव में घुलेगा, तीसरी बार आप देखेंगे ठोस गैस में घुलेगा। इसी प्रकार द्रव ठोस में, द्रव द्रव में, द्रव गैस में, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे जिसकी मात्रा कम होगी, जो विलेय होगा वो सब इस साइड में दिखाए गए हैं, और जो विलायक होते हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है वो इस साइड में दिखाए गए हैं। ठोस का ठोस में, जब ठोस घुला होता है ठोस में, ठोस का ठोस में जो विलयन बनता है वो पीतल होता है, जैसे कॉपर और जिंक होता है, राइट। ऐसे हर साल बोर्ड परीक्षाओं प्रश्न पूछे जाते हैं। ठोस का द्रव में, मित्रों अगर ठोस कोई द्रव में घुला हो तो जो विलयन बनता है, पारे का सोडियम के अमलगम के साथ, पारे का सोडियम के अमलगम के साथ जो बनेगा उदाहरण बनता है वो ठोस का द्रव में होता है। ठोस का गैस में विलयन, अब यहाँ पर ध्यान दें, H2 प्लस PD में मिश्रण ठोस का गैस में, बात समझ में आ रही है, ठोस ठोस में, ठोस द्रव में, ठोस गैस में। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, द्रव का ठोस में, द्रव घुला हो ठोस में, तो आप ये बताइए द्रव घुला हो ठोस में, द्रव का ठोस में विलयन, जैसे ग्लूकोज प्लस जल का मिश्रण, राइट। द्रव का द्रव में जल प्लस एथिल अल्कोहल, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में जल और CO2 का मिश्रण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गैस का ठोस में कपूर प्लस N2 का मिश्रण, गैस का द्रव में विलयन क्लोरोफार प्लस N2 का मिश्रण, गैस का गैस में विलयन N2 प्लस O2 का मिश्रण, राइट। तो ये मित्रों ऐसे प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, जैसे जल और एथिल अल्कोहल किसका मिश्रण है, तो ये द्रव का द्रव में मिश्रण होता है। और इस प्रकार से हम लोग सीख पाए क्लास 12 के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए होंगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।